तो सबसे पहले ये हमने एक सॉफ्टवेयर खोलना है ना, इन पे यहाँ से जाके फाइल में जाके न्यू फाइल लेनी है और उसको ओके कर देना है, ठीक है। अब देखिए उर्दू के लिए कीबोर्ड की सेटिंग करनी है, प्रीफरेंसेस में आके कीबोर्ड प्रीफरेंसेस पे क्लिक करना है। यहाँ से कीबोर्ड लेआउट ले लेना है हमें फोनेटिक वाला, इसका कीबोर्ड लेआउट हमें यहाँ से ले लेना है। इसकी फोटो भी मैं आपको भेज रहा हूँ, ये मैंने इसका फोटो ले लिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से चले गए दोबारा, ये आपको फोटो जो उसका भेज दूँ मैं, यहाँ से हम चले गए सनशाइन में, यहाँ पे आपको कीबोर्ड का लेआउट भेज दिया हमने, सेंड हो गया, ठीक है। तो अब चलेंगे आगे, सबसे पहले जो भी आपने उर्दू लिखनी है, जैसे हमें ये वाला बनाना है, तो एक तो ये टेक्स्ट चाहिए हमें, ये टेक्स्ट चाहिए, नाम चाहिए होंगे, ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, तो उसके लिए पहले उर्दू लिख लें आप, जैसे अली इलेक्ट्रॉनिक सोलर बैटरी ये लिखना है हमें। तो यहाँ पर आए, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल करेंगे, एक ऊपर वाला होता है एक नीचे वाला होता है, आप नीचे वाला इस्तेमाल करेंगे, बॉर्डरलेस है, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप टाइप कर दें, पहले देखें यहाँ पे स्टेटस क्या आ रहा है, अगर यहाँ स्टेटस उर्दू आ रहा है तो ठीक है, अब इंग्लिश आ रहा है तो इंग्लिश लिखेगा, क्लिक करेंगे उर्दू तो उर्दू लिखेगा। अब उर्दू लिखने के लिए हमने यहाँ पे लिखा अली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सलीम सोलर बैटरी, तो हम यहाँ लिख देते हैं सलीम माज माज इलेक्ट तो निक्स, थोड़ा छोटा लिख रहा है तो यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, और यहाँ से इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा देते हैं, मार्स होगा, मार्स मार्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलर बैटरी, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके। अब और क्या लिखना है इसमें, एक हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक के तमाम सामान और सोलर सिस्टम बैटरी की बैटरी सोलर सिस्टम बैटरी भी दस्तियाब है। अब ये लाइन लिखनी है तो दोबारा एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है, सिलेक्ट कर लेंगे इसको, यहाँ 36 कर देंगे, सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, यहाँ से इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा कम कर लेंगे, पिक टूल लेके इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से फॉन्ट साइज को यहाँ पे 30 कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से जो भी आपके पहले टेक्स्ट है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे एड्रेस भी लिख देना है, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, उसको यहाँ से थोड़ा सा साइज बढ़ा लें, ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और बाकी जो भी नाम वगैरह है वो भी आपने पहले लिख लेना सारा काम, अली हसन ये जो भी सेंटेंस वगैरह लिख लेना। ये सारा आपने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, टिक टूल लेंगे या क्लिक करेंगे, इसको एक एक को एक्सपोर्ट करना है, फाइल पे जाएंगे एक्सपोर्ट पेज करेंगे, यहाँ से लेंगे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ब्राउज करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे एक फोल्डर जहाँ पे आपने इसको सेव करना है, जैसे डॉक्यूमेंट्स पे जाके पीएस फाइल में गए, मैं यहाँ पे पीएस फाइल पे, और यहाँ पे मैंने उर्दू के नाम से फोल्डर बना रखा, उसको चले उस पर जाके यहाँ से क्लिक किया ईपीएस के ऊपर, यहाँ क्लिक किया और यहाँ पर हमने लिख दिया मास वन एक फाइल को, ठीक है। फिर दूसरी को सिलेक्ट किया, देखिए ये सिलेक्ट हो गया, फाइल में गया एक्सपोर्ट पेज किया, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट किया, ईपीएस लिया यहाँ से और मास टू के नाम से सेव कर दिया, तीसरे पे क्लिक किया,
फाइल में गए, एक्सपोर्ट पेज कर लिया, ब्राउज कर लिया, ईपीएस लिया यहाँ से फाइल टाइप, और उसको कर दिया मास 3 और उसको ओके कर दिया। ठीक है, इस तरह क्लिक करके यहाँ से फाइल में गए, एक्सपोर्ट पेज कर लिया और यहाँ से ब्राउज कर लिया, यहाँ क्लिक किया ईपीएस पर और मास 5 के नाम से उसको हमने सेव कर लिया। सारा काम होने के बाद भले अब आप इन पेज को चाहे तो बंद कर दें या खुला रहने, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप खोलेंगे फोटोशॉप, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद हमने क्या करना है, इसको फाइल में जाके यहाँ से एक न्यू फाइल लेनी है और यहाँ से हमें चला जाना है वेब के ऊपर। वेब पर जाने के बाद हमने यहाँ पर क्लिक करना है, साइज लेना है इंचेस में, वही लेना है कार्ड का साइज 3.6 2.2। ठीक है, तो यहाँ से ले लिया हमने, रेजोल्यूशन 300 की रख लेनी है, ओके कर देना है। यहाँ पे क्लिक करके अब आपने इस पर एक अच्छा सा बैकग्राउंड दे देना है, जैसे ये जो बैकग्राउंड अभी हमारा ग्रेडियंट का, ये देना चाहे, इस कलर का बनाना चाहे, और अगर ये नहीं बनाना चाह रहे तो फिर बेसिक कलर लेके खुद बना लो कलर, जैसे उसमें कलर जो दिया हुआ है वो ये ग्रीन कलर है और उसके साथ थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर को मिक्स किया, ये वाला प्लेयर पीला कलर मिक्स किया हुआ है, थोड़ा सा ग्रीन कलर डार्क, फिर ग्रेडियंट्स लेके इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये निकला है आपका कार्ड का। तो इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे इसमें सिर्फ पीला कलर भी यूज किया हुआ है तो थोड़ा पीला कलर ज्यादा कर लेंगे इसको, आप इस रिफ्लेक्टेड मोड में लगा देंगे, रिफ्लेक्टेड मोड लगाएंगे इसका तो ये दोनों साइड पे ऐसे अप्लाई हो जाएगा ये। ऐसे करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है आपने, अगर वैसे ये अगर सेम शेड बनाना है तो इसमें तीन, एक ऑरेंज शेड भी है, येलो भी है और फिर ग्रीन भी है, तीन शेड बनाने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा और फिर आपको ऐसे तीसरा स्टॉप ऐड कराना पड़ेगा, एक में आपको ऑरेंज कलर डालना पड़ेगा। और यहां से क्लिक करके एक में आपको येलो कलर डालना पड़ेगा और तीसरे में आपको ग्रीन कलर डालना पड़ेगा, रिफ्लेक्शंस में फिर आप जब इसको अप्लाई करेंगे इस तरीके से ये ऐसे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और तो थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये नीचे एक बार लगानी है, बीच में गोल पट्टी लगानी है, ऊपर लगाना, तो इसको क्या करेंगे, नीचे वाली बार तो आप इस शेप से ले लेंगे, बार बन गए, इसको मूव टूल लेंगे, इसको सेंटर करने के लिए दोनों को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, यहाँ से सेंटर कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल बॉटम पे नहीं लेके जा रहे, इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा डाउन एरो से नीचे ले लेंगे, मूव टूल ले लेते हैं इसको क्लिक करके, उसके बाद ये वाला जो हिस्सा इसके ऊपर इस तरह डिजाइन कर लेंगे, राउंडेड रेक्टेंगल ले लेंगे, यहाँ पे इसका रेजोल्यूशन देखिए 100 पे रख के देखिए बिल्कुल गोल बन रहा है, तो इसका रेडियस हमने 100 पे रख लेना है, यहाँ से लेके इसको इस तरीके से ड्रॉ करना और फिर क्लिक करके हमने यहाँ से ब्लैक कलर दे देना है। तो ये देखिए इस तरह से बन गया, इसको थोड़ा बड़ा करना है, कंट्रोल टी दबा के थोड़ा सा बड़ा कर ले, और लंबा करना है तो थोड़ा सा लंबा कर ले। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक नया लेयर ऐड कराएंगे यहाँ पे क्लिक करके, और उसके बाद ये एक लाइन चुन लेंगे यहाँ से और यहाँ से शुरू करेंगे इसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। लाइन की जो थिकनेस है वो आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे, पहले किस कलर की होनी चाहिए, सब कुछ ब्लैक कलर की डाल दें, स्ट्रोक लेवल उसका 4 है तो 4 2 पिक्सल है ऑलरेडी, तो इसको 4 पिक्सल कर दें, तो ये पहले से लाइन मोटी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसको पकड़ के यहाँ से नीचे कर देंगे, ये इस तरह से नजर आएगा, और थोड़ी सी लाइन जो है अगर बड़ी हो रही है, ये थोड़ी सी लाइन देखें सीधी सीधी सी, थोड़ी और मोटी कर लेते हैं लाइन को, यहाँ क्लिक करते हैं लाइन टूल पे, 8 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से आ रहा है,
लाइन की जो स्टाइल्स है कैसा हो, डॉटेड हो, डैश हो, या फिर इस तरह का हो। तो मैंने कहा ये फिलहाल डॉट पिंक डैश लाइन होनी चाहिए सीधी। ओके, फिर यहाँ से क्लिक करके ऐसी लाइन की कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर लेंगे, फिर डाउन एरो से उसको नीचे ले आएंगे, फिर एक और डुप्लीकेट ले लेंगे कंट्रोल जे करके, और तीसरी भी डुप्लीकेट को उसके नीचे ले आएंगे। तीनों लाइंस को प्लस में इसको शेप को तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे इसके हिसाब से, और इनको तीनों को सेंटर कर देंगे ताकि ये एक दूसरे के सेंटर आ जाएं। टॉप एंड बॉटम का सेंटर नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो एक साथ मिल जाएंगी, बल्कि हम इन तीनों लाइंस को सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेंगे ताकि ये सेंटर में इसके अंदर। इस तरह का डिजाइन ऐसे बन जाएगा, ये डिजाइन बन गया। अब रही टेक्स की बारी, तो इसको सेव कर लेते हैं पहले। यहाँ से जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में, क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ से पेज फाइल्स पर चले गए। पेज फाइल्स पर जाने के बाद यहाँ से हम चले गए सनशाइन में, और यहाँ से जाके हमने क्लास 21 कार्ड पे क्लिक कर दिया। ओके कर दिया। फिर उर्दू का जो फॉन्ट अभी हमने सेव किया था कंट्रोल ओ करके ओपन करेंगे, वो हमने कहाँ सेव किया था, पी एस फाइल्स में जाके उर्दू के फोल्डर में। ये देखिए यहाँ पे हमें नजर आएगा, डेट मॉडिफाइड करेंगे जब हम उसके, यहाँ पे ये आ गया मास 1 से लेके 5 तक सबको ओपन कर लेंगे एक साथ, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेंगे। रेजोल्यूशन में 300 लिखेंगे, ओके करते जाएंगे, ओके ओके ओके, और ये ओके। पांचों फाइल्स खुल जाएंगी, तो फिर अब जो जो टेक्स्ट चाहिए उस टेक्स्ट की फाइल खुली हुई है यहाँ पे रखेंगे एरो, कंट्रोल का बटन होल्ड करेंगे, कंट्रोल क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी कॉपी करेंगे अपने कार्ड पे आके, कंट्रोल वी करके पेस्ट करेंगे, कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करेंगे, अल्टर शिफ्ट करेंगे, ये देखिए लिखा हुआ आ गया इसके ऊपर पूरा का पूरा, और इसको और बड़ा करना है तो ये ऐसे करके आप इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका काम, कंट्रोल एस करेंगे। उसके बाद अगली फाइल कौन सी, ये वाली, इसको भी कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे पेस्ट, और कंट्रोल टी करके अल्टर शिफ्ट के साथ इसको ले जाके आप जो है इसको काली पट्टी में रखना है तो ये काली पट्टी में ऐसे ही लिखा जाएगा, इसको ऐसे ही रख दें फिलहाल। ठीक है, दिख तो रहा नहीं है ये, अब इसका कलर व्हाइट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो क्लिक करके अप्लाई करेंगे, फिर तो यहाँ क्लिक करके टेक्स्ट से हम जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस में, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाने के बाद कलर ओवरले लगाएंगे, कलर ओवरले में व्हाइट कलर लेंगे, ओके करेंगे, तो देखो वहाँ पर टेक्स्ट आपको इस तरह से नजर आ जाएगा। फिर कंट्रोल टी करके अल्टर शिफ्ट से भले आप इसको चाहो तो खींच के, या अल्टर के साथ इसे खींच के लंबा कर सकते हो, डाउन एरो से थोड़ा नीचे भी लिया सही है। के बाद क्या करेंगे, नीचे वाला टेक्स्ट चाहिए तो इसको बंद कर देंगे फिलहाल, इसको भी बंद कर देंगे फिलहाल, इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, यहाँ क्लिक करेंगे कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी करके पेस्ट करेंगे, और यहाँ से इसको उठा के यहाँ रखेंगे, कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करेंगे अल्ट शिफ्ट के साथ, क्लिक करके अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो गया स्किप पर, इसी तरह बाकी टेक्स्ट भी लेकर आ जाएंगे। अब आती है स्किप पर बात की, भाई ये आपने स्किप पर इफेक्ट्स वगैरह लगाने, तो आप आ जाए इसके ऊपर, ये माज इलेक्ट्रॉनिक वाला कौन सा है, ये है माज, इस पर क्लिक करें, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाए और इसको यहाँ से स्ट्रोक लगा दें, स्ट्रोक लग गया स्किप पर, जिस तरह का स्ट्रोक चाहे, ग्रेडियंट स्ट्रोक लगाया मैंने आउटसाइड पर रख के, ग्रेडियंट लगाया, सिंगल कलर चाह रहे सिंगल कलर लगा दें, फिर जो कलर सेलेक्ट करेंगे वो स्ट्रॉक पे इस पर अप्लाई हो जाएगा, स्ट्रॉक का जो प्रोसीजर है इस तरह से कम ज्यादा चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसके अंदर सिर्फ तीन कलर यूज किए हैं, रेड पिंक और ब्लू, तीनों एक साथ एक वक्त में नहीं लगा सकते, इसके लिए क्या करना होगा हमें, इसको ब्रेक करना होगा नाम को। अब नाम को कैसे ब्रेक करेंगे, बेसिकली ये है तो पिक्चर, लेकिन क्या है कि अभी एक ही लेयर पर है, तो आप इसको अलग अलग लेयर पे कर लें, कैसे करेंगे, इसकी लेयर को सिलेक्ट करें, यहाँ से जैसे हमने सिलेक्शन टूल लिया, कोई भी सिलेक्शन टूल लेंगे, जैसे हमने ये सिलेक्शन टूल लिया, ये ऐसे करके सिलेक्ट किया मास, कंट्रोल जे दबाया तो ये मास इसमें से अलग हो गया, ये देखिए, फिर इस पे क्लिक किया, इलेक्ट्रॉनिक्स लिया हमने यहाँ से, तो यहाँ से आप ये वाला टूल यूज कर लें अगर ज्यादा मुश्किल हो रही है, ये लिया आपने इस तरह से, ठीक है, कंट्रोल जे कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स भी अलग हो गया, फिर इसी लेयर पे क्लिक करें, सोलर बैटरी अलग करना है, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ 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 यहाँ
कंट्रोल जो सोलर बैटरी भी अलग हो गया, ठीक है। तो अब ये लेयर में पूरे नाम लिखे हुए अपनी जगह पे, ये बचा है खाली इसके अंदर। तो अब देखिए सारे अलग अलग होगा, ये पूरा एक लेयर पे नाम आ रहा है, ठीक है। इसमें से एंड भी अलग कर लेते हैं तो, और बाकी जो नाम है वो देखिए इसके अंदर ये रह गया, इसके अंदर ये आ गया, इसके अंदर ये आ गया। अब इसमें से एंड भी निकाल लेते हैं, तो यहां से क्लिक करके एंड पे, कंट्रोल जे कर। अब ये वाली लेयर तो आपकी हो गई फ्री, इसको ऑफ कर दे। अब ये जो अलग अलग लेयर्स बनाई है इनको अलग अलग आप सब कुछ दे सकते हैं। पहले वाली पे क्लिक कर ले, मास वाली लेयर पे, और यहाँ पर आके यहाँ से कंट्रोल एस करें, क्लिक करें इसके ऊपर। यहाँ से आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे चले जाएं, जैसे कि आपको रेड कलर का बनाना है इसको, तो यहाँ से आप इसके अंदर कलर भर दें रेड, ओके कर दें। आउटलाइन किस तरह की देनी है क्लिक करके, इस तरह की देनी है, सिंगल आउटलाइन देनी है, वो यहाँ से आप डिसाइड कर लें किस तरह की आउटलाइन देनी है, ठीक है। जो आउटलाइन देनी है वैसे। अब अगर इसको कोई और आउटलाइन देनी है, सिंगल कलर में देनी है, ग्रेडियंट के हटके, तो यहाँ से ग्रेडियंट से हटके पिंक या व्हाइट जो भी आउटलाइन देना चाहे यहाँ से आप उसको दे सकते हैं, क्लिक करेंगे और ये आपको वैसा नजर आएगा। इसमें आप इसको अलग से बड़ा भी कर सकते हैं, कंट्रोल टी दबा के ऐसे करके ऐसे लंबा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे नजर आएगा, ठीक है, और इस पर क्लिक कर दें। ये वाली लेयर हम ऑफ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, इस पर ही हो जाता है, ठीक। तो ये देखें ऐसे नजर आ रहा है, कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको, इस तरह से टेढ़ा करके भी आप दिखा सकते हैं, और इसको आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हर किसी को इसी तरह से अलग अलग करते जाएंगे। यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक्स को सिलेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स को ब्लेंडिंग ऑप्शन लगाएंगे। अब इसको किस कलर का बनाना है, ब्लू कलर का बनाना है, कलर ओवरले लगाएंगे। यहाँ से ब्लू ले लेंगे, डार्क ब्लू कलर, यहाँ से डार्क ब्लू ले लिया आपने, क्लिक कर दिया, और स्टॉक लगाना है हमने इसको, तो स्टॉक पर क्लिक कर दिया। यहाँ से किस कलर का स्टॉक लगाना, व्हाइट कलर का लगाना, ओके कर दिया। तो ये देखिए इस तरह से बनेगा। चले बाकी फिर आप खुद करके देख लीजिए।